नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। 7 खबर 60 मिनट की शुरुआत उस बड़ी खबर के साथ करेंगे जो आज पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। उन्नाव में दलित परिवार की 2 लड़कियों की संदिग्ध मौत के मामले में यूपी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपी का नाम विनय उर्फ लंबू है, वहीं दूसरा आरोपी विनय का दोस्त है जो कि नाबालिग है। पुलिस ने बताया कि विनय एक लड़की से प्रेम करता था, उसने उसके सामने प्रस्ताव रखा लेकिन लड़की ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। विनय ने लड़की से मोबाइल नंबर भी मांगा था लेकिन लड़की ने वो भी देने से मना कर दिया। विनय इस बात से बेहद नाराज था, इसलिए उसने पानी में कीटनाशक मिलाकर लड़की को पिला दिया। हालांकि वो सिर्फ एक ही लड़की को मारना चाहता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी विनय ने बताया कि वो जिस लड़की से प्रेम करता था वो अस्पताल में भर्ती है। उसने घटना वाले दिन अन्य दोनों लड़कियों से नमकीन के पैकेट भी मंगवाए थे। आरोपी ने लड़की को कीटनाशक मिला हुआ पानी पीने को दिया था लेकिन उसकी बोतल से बाकी दोनों लड़कियों ने भी पानी पी लिया था। थोड़ी देर के बाद सभी लड़कियों के मुंह से झाग निकलने लगे। ये देखकर दोनों आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए। पीएम रिपोर्ट में जैसा मैंने कल बताया था आपको, किसी भी तरह की जाहिरा या गुम चोट नहीं पाई गई थी, किसी भी तरह के असॉल्ट के लक्षण नहीं पाए गए थे और इसके स्टेटमेंट में भी किसी प्रकार के असॉल्ट की बात नहीं कही गई है। घटना के दौरान किसी लड़की के पास मोबाइल था, इस बात की मौके से पुष्टि नहीं हो पाई है। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि घटना में लड़कियों के पास सबसे पहले उनके पारिवारिक जन पहुंचे थे। उन्होंने उन बच्चियों को वहां से उठाया था, गाड़ी पर लाद के अस्पताल ले जाने की कोशिश की थी। गाँव के किसी एक सबरान व्यक्ति के द्वारा पुलिस को खबर दी गई थी। पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर नहीं थी। घटना पर बच्चियां जब खेत में पड़ी थी तब मौके पर नहीं पहुंची। तो मैम, फैमिली अभी अलेज कर रही है कि FIR में सब डिटेल्स नहीं है कि उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो एक उसके ऊपर एक पड़ी हुई। फैमिली से बात हुई है, फैमिली ने जैसा हमें लिखकर दिया था, जो भी तहरीर दी थी हमने उसी के हिसाब से ही FIR लिखी थी। 302-201 की धारा लगाई थी। अज्ञात में उन्होंने लिखवाया था, हमने अज्ञात में ही लिखा था और जिस घटना में जो जैसा उनको बच्चियां मिली थी उन्होंने उसी का वर्णन देते हुए हमें FIR लिखवाई थी। इसलिए फैमिली के द्वारा जो भी हमें बताया गया था तथा उनके जो भी बयान आए थे उसके अनुरूप ही हम लोगों ने अपनी तफ्तीशें आगे बढ़ाई थी। आपके मुताबिक अब ये पूरा केस क्रैक हो चुका है, नाउ इट्स अभी हमारी विवेचना जारी है, प्रचलित है। अभी हमको जो कन्फेशन प्राप्त हुआ है हम उसको तस्दीक करा रहे हैं। चूंकि ये आज ही अरेस्टिंग हुई है इसलिए इसके कन्फेशन के एक एक हिस्से का। उन्नाव की घटना को लेकर लगातार कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोल रही है। दिल्ली से कांग्रेस नेता अलका लांबा लगातार हमला बोल रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल रही है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा है कि बीजेपी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा बनकर रह गया है। महिलाओं पर अत्याचार की खबरें लगातार आ रही हैं और बीजेपी महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता का उदाहरण पेश कर रही है। साथ ही उन्नाव की घटना का जिक्र करने की मांग उन्होंने की है और साफ तौर पर कहा है कि पीड़िता को एयरलिफ्ट किया जाए। आपको बता दें कि बुधवार को उन्नाव जिले में 2 नाबालिग दलित लड़कियों का शव खेत में मिलने से हड़कंप मच गया था, जबकि तीसरी लड़की का इलाज अभी कानपुर में चल रहा है। शुरुआती जाँच के मुताबिक ये मामला जहर खाने से जुड़ा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो पाई है। बेटी बचाओ का नारा अब तो बिल्कुल ही यकीन हो चुका है, एक चेतावनी था कि भाजपा की सरकार आ रही है देश और उत्तर प्रदेश में, बेटी बचाओ। गंभीरता से लोगों ने नहीं लिया कि सरकार आ रही है और उस सरकार से ही अपनी बेटियां बचाना आज एक सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है देश के लिए। आप सभी मीडिया साथियों से कहूंगी, खामोश कर दिया जाता है हर उस उठती हुई आवाज को जो इस सत्ता के खिलाफ उठती है, लेकिन ये आवाज पीड़िता और उसके परिवार के लिए उनके कानों तक पहुंचेगी तो यकीन है उस पीड़ित परिवार को भी न्याय की उम्मीद जिंदा रह पाएगी। वो हमारी बेटी जिसे अभी भी इलाज से, अच्छे इलाज से मैं कहूंगी, वंचित रखा गया है, किन कारणों से नहीं समझ आ रही। हमने देखा है किसी VIP को कुछ भी होता है, एक सेकेंड के अंदर
हवाई जहाज, प्लेन, डॉक्टरों की टीम खड़ी रहती है और तुरंत दिल्ली लाके उसे बस से बस अच्छे से अच्छा इलाज देने की कोशिश होती है। जब हमारी बेटियों के साथ जघन्य अपराध और जिंदगी और मौत के बीच में जूझती हैं, तो कहां सरकार जो है वो पीछे हट जाती है। हम मांग करते हैं कि हमारी ये जो तीसरी 17 साल की नाबालिग बेटी जिंदगी और मौत से जूझ रही है, उसे तुरंत दिल्ली शिफ्ट करके उसे अच्छा से अच्छा इलाज किया जाए, ताकि अपराधियों तक हम लोग पहुंचने में काम। उन्नाव में नाबालिग लड़कियों की हत्या के मामले में आज कांग्रेस ने जिलाधिकारी के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने कहा कि वो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हैं। और आपको ये भी बता दें कि यूपी पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार एक तरफा प्यार के चलते ये हत्या की गई है। उन्नाव मामले में जहां एक तरफ कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिवार से मिलने की मांग भी की जा रही है। पूर्व सांसद सावित्रीबाई फूले को विधायक के समर्थकों ने भगा दिया। दरअसल विधायक के समर्थकों का कहना है कि मैं सावित्रीबाई फूले यहां पर राजनीति करने पहुंची थी, जिसके बाद उन्होंने पूर्व सांसद को उल्टे पांव लौटा दिया। और आपको ये भी बता दें कि सावित्रीबाई फूले काशीराम बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद हैं। उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी दी है। अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में अभी 2521 कोरोना के एक्टिव केस हैं। प्रदेश में लगातार रिकवरी रेट बेहतर होता जा रहा है। घंटों में संक्रमण के 104 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 165 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 2521 है, जिनमें से 647 व्यक्ति होम आइसोलेशन में हैं, अर्थात अपने घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। आज तक कुल मिलाकर जो डिस्चार्जेस हुए हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर के 591,359 हो गई है। ये 98.1% से अधिक का रिकवरी रेट चल रहा है। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से आज तक, अर्थात पिछले मार्च में जब से ये संक्रमण प्रदेश में आया, उससे लेकर आज तक 8,712 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 136,180 सैंपल्स की जांच की गई और अब कुल मिलाकर के 3,01,73,226 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। ई संजीवनी पोर्टल पर कल 4,499 लोगों ने घर बैठे चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया है और टेक्नोलॉजी के बदौलत ये एक बहुत ही बेहतरीन सुविधा है, जिसमें आपको घर से निकलना नहीं पड़ता और अपने बीमारी के विषय में। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ साथ रसोई गैस की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। महंगाई आसमान लगातार छूती जा रही है और इसी के मद्देनजर डोगरा फ्रंट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और कहा है कि लगातार वृद्धि को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को टैक्सों में कटौती करनी चाहिए, जिससे आम आदमी को कुछ राहत मिल सके। एक तरफ जहां कांग्रेस सरकार लगातार हमला बोल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर भी हमला बोला जा रहा है। कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी ऐसे हालात हैं। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है। डोगरा फ्रंट ने इस मामले पर राजनीति ना करके लोगों को राहत देने की बात कही है। महंगाई को लेकर के करने का प्रयास करना चाहता हूं। विवाद चल रहा है, जो सत्ता के अंदर है उसका विरोध हो रहा है कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, आप पार्टी के माध्यम से, लेकिन धरातल पर क्या है उसके तथ्यों को लेकर के आपके सामने आना चाहता हूं। कहते हैं जी सेंटर के लोगों ने ये बड़े टैक्स लगा दिए और सारी महंगाई हो गई, स्टेट टैक्स भी लग गए। पंजाब के अंदर ओरिजिनल कास्ट तेल की 31.82 रुपये, 24.30 रुपये उनका टैक्स है और 32.80 रुपये दिल्ली वालों का टैक्स है।
जितने की कीमत है 200% ऊपर है, लेकिन कोई पूछने का प्रयास नहीं करना चाहता। वो कहते हैं 1,79,000 करोड़ रुपया एक साल के अंदर इकट्ठा हुआ है, लेकिन वो इकट्ठा होने के उपरांत वो कहते हैं हमने 3 महीने का राशन मुफ्त दिया, हमने सिलेंडर मुफ्त दिए, लेकिन स्टेट टैक्स किसी के विषय। मुंबई में मालवणी पुलिस के आतंकवादी दस्तों ने मुंबई के मलाड पश्चिमी में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बांग्लादेशी नागरिक भारतीय दस्तावेज बनाकर बीजेपी के उत्तरी मुंबई अल्पसंख्यक युवा अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था और पकड़े गए आरोपी रुबेल शेख की तस्वीरें बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी के साथ लगातार वायरल हो रही हैं। मालवणी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जाँच शुरू कर दी है। मालवणी में एक बांग्लादेशी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई किया गया। ये व्यक्ति इलीगली भारत देश में प्रवेश किया, इनको पकड़ के उनका घर जब्ती किया तो वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले और ये डॉक्यूमेंट्स की चौकसी करने के बाद ऐसा पता चला कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इस आदमी के ऊपर फॉरेनर्स एक्ट और IPC के फॉर्जरी और फॉल्स डॉक्यूमेंट्स के संबंधित सेक्शन लगाए गए हैं और ये कार्रवाई मालवणी पुलिस स्टेशन के एंटी टेरर। झारखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 12 फरवरी को चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई टाल दी गई थी। अगली तारीख 19 फरवरी तय की गई थी और आज इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। लालू यादव के वकीलों के मुताबिक RJD प्रमुख की आधी सजा में 2 महीने का वक्त अभी बाकी है और इसी के आधार पर फिलहाल लालू को राहत नहीं मिली है, यानी इसका मतलब यह है कि संभवतः 2 महीने के बाद उन्हें जमानत मिलने का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। और आपको यहां पर यह भी बता दें कि RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव दिसंबर 2017 से जेल की सजा काट रहे हैं। आज सुनवाई में उसमें हाफ सेंटेंस में 2 महीना की कमी हो गई, उसके चलते आज उनको बेल नहीं मिला है। 2 महीना के बाद जब हाफ सेंटेंस हो जाएगा तब फिर इनको बेल मिलेगी। तो आज रिजेक्ट हुआ, आज नहीं हुआ। हाँ, 2 महीना के बाद अब फिर फाइल करेंगे, फिर आएगा। हाँ जी हाँ, हम लोगों को निश्चित तौर पे जब सुबह में हम लोग आए थे तो हम लोग सभी के चेहरे पर खुशहाली थी। हम लोगों को पूरा उम्मीद था कि आज शोषितों दलितों अकलियतों के मसीहा माननीय लालू यादव जी को आज न्यायालय से न्याय मिलेगा, मगर जो हम लोगों का जो काउंटिंग था, जो न्यायालय का जो आदेश था कि हाफ सेंटेंस पूरा होने पर बेल दिया जाएगा, तो उसके आधार पे हम लोगों का जो काउंटिंग था तो काउंटिंग के अनुसार से हाफ सेंटेंस पूरा हो जा रहा था, इसीलिए हम लोग खुशी थे। मगर जो 2 महीने का जो अंतर आया तो 2 महीने के बाद निश्चित तौर पे हमारे नेता जो गरीबों शोषितों दलितों अकलियतों के जो मसीहा हैं माननीय लालू यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि आने वाला दिन में उनको न्याय मिलेगा। और 2 महीने कश्मीर घाटी में पिछले 16 घंटों के भीतर तीसरी आतंकी वारदात सामने आई है। आतंकवादियों ने जिला श्रीनगर के भगत बरजुल्ला इलाके के मुख्य बाजार में खड़े 2 पुलिसकर्मियों पर गोलियां बरसाकर उन्हें शहीद कर दिया है और इस घटना पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है। पहले दक्षिण कश्मीर के शोपियान में आतंकवादी हमला किया और फिर कश्मीर घाटी के श्रीनगर के बरजुला में पाकिस्तानी आतंकवादी जिसने अपनी फिरन के अंदर बंदूक छुपाकर निहत्थे पुलिस के जवानों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जांबाज सिपाही शहीद हो गए। पाकिस्तान कश्मीर को आता है, पाकिस्तान कातिल है और आतंकवादी कश्मीर को बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं,
चुन चुन कर इन करने वाले इंसानियत के कातिल इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे, अपने शहीदों की शहादत का बदला लेंगे, शहीदों के खून के कतरे कतरे का हम बदला लेंगे और कश्मीर घाटी से इन पाकिस्तानी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने हाल ही में हुए म्युनिसिपल मतदान में कांग्रेस के हक में जबरदस्त फतवा देने और राज्य सरकार की लोकहित और किसान समर्थक नीतियों में भरोसा जाहिर करने के लिए राज्य के लोगों का धन्यवाद किया है। स्थानीय निकाय चुनाव में आपको बता दें कि मतदान अमन सुरक्षा के साथ यकीनी बनाने के लिए वोटरों का धन्यवाद जताते हुए मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट साथियों ने कैबिनेट मीटिंग में राज्य और यहां के लोगों की सेवा के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराते हुए प्रस्ताव पास किया है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों का भी धन्यवाद किया। श्री मुक्तसर साहिब के थाना बरीवाला में 3 दिन पहले हजारों नशीली गोलियों के साथ पकड़े गए युवक की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ड्रग्स के साथ पकड़ी गई आरोपी की मां मंडी बरीवाला से कांग्रेस की काउंसलर है और इस मामले में कथित आरोपी युवक का कहना है कि पुलिस ने उस पर झूठा मुकदमा दर्ज किया है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਸਿੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ ਗੋਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਈ ਇਹ ਮਗਰ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਬਸ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਸਰ, ਇੱਕ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਇਹ? ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲੋਂ ਨਾ 3500 ਗੋਲੀਆਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 20A15221 2282 ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ? ਟਰਮਾਡੋਲ SR ਸੀ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਸਰ, ਇੱਕ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਈਨਰ, ਮੇਜਰ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਰ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫੋਟੋਆਂ। रामनगरी अयोध्या को समग्र विकसित बनाने के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण ने MOU साइन किया था और आपको बता दें कि ADO उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने प्राधिकरण का कार्यालय में इस एसोसिएट के टीम हेड डॉक्टर ए पनीर सेल्वम के साथ MOU साइन किया था। अब कंपनी अयोध्या के समग्र विकास के लिए अपना काम शुरू कर देगी। जानकारी के मुताबिक रामनगरी में ही एसोसिएट का कार्यालय 6 महीने का होगा और वहीं इन 6 महीनों में अयोध्या का विकास किस तरीके से होगा इसका प्लान बनाकर प्राधिकरण CM योगी के सामने पेश करेगा। अयोध्या के समग्र विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना के अनुरूप जो RFP फ्लोट किया गया था, उसमें जो कंसोर्शियम सेलेक्ट हुआ था, LE एसोसिएट्स, LNT और CP कुकरेजा एसोसिएट्स, इनके साथ में आज फॉर्मल रूप से हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है और MOU पे हस्ताक्षर हो चुके हैं। आज के दिन में कंसोर्शियम की पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है और इनके कुछ और सदस्य भी हैं जो आज आ रहे हैं। आज का हमारा प्रारंभिक बैठक इनके साथ में हो गया है। MOU साइन करने के बाद में आज ये पूरा समय यहाँ के शहर के विभिन्न क्षेत्रों को, जहाँ पर कि हमारा विकास का कार्य होना है, हमारा मास्टर प्लान का जो डेवलपमेंट का एरिया है, जो हमारा नया जुरिस्डिक्शन डिक्लेयर हुआ है और विभिन्न पौराणिक स्थल, नया योजना का स्थल, हमारे जो पूरा नया बस अड्डा बना है, राम की पैड़ी ऐसे महत्व बना है, राम की पैड़ी ऐसे महत्व। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है कि असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन को 100 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। बघेल ने असम से लौटने के बाद यहां पर स्वामी विवेकानंद विमानतल पर मीडिया से कहा कि असम में लोग परिवर्तन चाहते हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन 100 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगा और उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान 65+ बोलकर गए थे। मैंने कहा था कि 65+ हमारा होगा, परिणाम देख लीजिए, वही हुआ। असम में भी अमित शाह जी 100+ प्लान बोलकर गए हैं, देखना कांग्रेस गठबंधन को 100+ सीटें आएंगी और ये वहां के माहौल से पता चलता है।
शाह जी यही 65 प्लस बोल के गए थे और मैंने कहा था कि 65 प्लस हमारा होगा और रिजल्ट देख लीजिए वही हुआ। वहाँ भी अमित शाह जी 100 प्लस बोल के गए हैं, हमारा जो गठबंधन है वो 100 प्लस हमारा आएगा, कांग्रेस गठबंधन का 100 प्लस आएगा, ये वहाँ के माहौल से पता चलता है। महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही, पेट्रोल डीजल के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। न केवल पेट्रोल के डीजल के बल्कि एलपीजी गैस के भी भाव बढ़े हैं और उसके साथ साथ मैंने सही उस समय भी बजट सत्र जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब बजट प्रस्तुत किया तब भी मैंने कहा था कि पेट्रोल डीजल के जब भाव बढ़े हैं उससे महंगाई बढ़ेगी, घर का अर्थ बजट अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी और साथ ही ये भी मैंने कहा कि सेस लगाने से जितने भी एक्साइज में जो सेस लगाए हैं उसके कारण से राज्यों के राजस्व में कमी आएगी, जो एक्साइज ड्यूटी था उसे कम करके उन्होंने सेस लगा दिया, तो सेस तो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जमा होना है, उसे राज्य सरकार को राज्य सरकारों को इसमें भारी क्षति उठानी पड़ेगी। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार 11वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला लगातार जारी है। आज डीजल की कीमत में 33 से 35 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है तो वहीं पेट्रोल की कीमत में 30 से 31 पैसे तक की कीमत बढ़ी है। और आपको ये भी बता दें कि स्थानीय कर के आधार पर अलग अलग राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमत में अंतर रहता है। स्थानीय लोगों की बात है तो उनका भी अलग कहना है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पेट्रोल पर सबसे ज़्यादा वैट वसूला जाता है, उसके बाद सबसे ज्यादा कर मध्य प्रदेश का है। प्रधानमंत्री मोदी ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में उछाल के लिए भारत का 85% से ज्यादा आयात पर निर्भरता को जिम्मेदार ठहराया है। और आपको यह भी बता दें कि रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है, सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। इस पर महंगाई बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ जाएगा, इससे महंगाई पर असर पड़ेगा, इससे हर चीज पर, सब्जी से लेकर दाल तिलहन खाद्यान्न सब पे असर पड़ेगा इसका। क्या आप कहना चाहते हैं? हम कहना 11वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला लगातार जारी है और आज डीजल की कीमतों में 33 से 35 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है तो वहीं पेट्रोल की कीमत में 30 से 31 पैसे तक की वृद्धि की गई है। कीमत वृद्धि के आधार पर अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी पहली बार पेट्रोल की कीमत 90 के पार पहुंच गई है। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इन दोनों शहरों में पेट्रोल की कीमत अपने सर्वोच्च स्तर पर है और उसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90.19 रुपये जबकि डीजल का दाम 80.60 रुपये पहुंच गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और डीजल की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। इसमें पंपों पर घटा पड़ता रोज दिन, महंगा तेल मंगाना पड़ता है बेचारों को, पीछे मोदी जी बढ़ाई जाते हैं रेट। पाकिस्तान में तो रेट से आधे से भी कितना कम रेट, इतना टैक्स लगाते हैं, पहले ऊपर केंद्र पंजाब सरकार लगा लेती है, मर तो हमारे वर्गा गरीब बंदा रहा है, क्या करे वो लोग। एलपीजी का भी वही है, दिन में दिन सिलेंडर क्या सब कुछ ही महंगा हुई जा रहा है, ये जो दाम बढ़ रहे हैं हर रोज के दर पे पेट्रोल और डीजल के, ये बहुत गलत चीज हो रही है क्योंकि ये सीधा सीधा एक मिडिल क्लास और हर क्लास के इंसान को इफेक्ट कर रहा है क्योंकि ये बहुत इफेक्ट कर रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है इसके कारण कहीं ना कहीं, और जो रोजमर्रा का खर्चा है इंसान का वो भी बढ़ रहा है इसके कारण, और ये कम होना चाहिए। और जो एक्साइज ड्यूटी सरकार अपनी तरफ से बढ़ा रही है हर महीने के बेसिस पे, 2 महीने के बेसिस पे, वो कम होनी चाहिए बढ़ाने की बजाय, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर अ चीपर रेट तो कि आसानी से ज़िंदगी बंदा अपना खर्चा मिट। डे बाय डे पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं जो कि बहुत ही गलत बात है, इससे अब हम स्टूडेंट पे बहुत फ़र्क पड़ता है, हम पहले ही मुश्किल से फीस देते हैं, ऊपर से इतनी अब पेट्रोल 90 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका है, तो सर ये गलत है, सरकार को थोड़े पेट्रोल के रेट कम करने चाहिए जिससे कि
कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कहा है कि सरकार ये रेट बढ़ा रही है, आम आदमी को इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। बढ़ नहीं रहा है, सरकार बढ़ा रही है। अडानी जैसे उद्योगपतियों को अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता की कीमत पर, क्योंकि आज भी रेट जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $60 पर बैरल है, और अगर उसे कैलकुलेट कर ले तो 31 रुपये 31.50 पैसे उसकी लागत आती है। अब उस पर केंद्रीय सरकार ने लगभग 19 रुपये 18.50 टैक्स लगा दिया, राज्य सरकार ने लगभग 40 रुपये 39.55 पैसे लगा दिया। और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, और आपको ये भी बता दें कि परसेवरेंस रोवर नाम का स्पेसक्राफ्ट सफलतापूर्वक गुरुवार रात मंगल ग्रह पर उतर गया है, और इस बात की जानकारी नासा ने ट्वीट करके दी है। इसकी लैंडिंग के साथ ही नासा के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के बीच में खुशी की लहर दौड़ गई। दरअसल नासा की ये कोशिश मंगल ग्रह पर मनुष्यों को बसाने की उम्मीदों को और ज़्यादा बढ़ा देती है। और आपको ये भी बता दें कि रोवर को 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। ये रोवर मंगल ग्रह की सतह पर सूक्ष्म जीवी जीवन के संकेतों की खोज करेगा, और साथ ही टूटी हुई चट्टान और धूल के नमूने इकट्ठे करेगा। इन नमूनों को आने वाले समय में एक और अभियान के जरिए धरती पर वापस लाया जाएगा। तो जानकारी के अनुसार इस दूसरे अभियान के माध्यम से इन नमूनों को साल 2031 में धरती पर लाया जाएगा। मंगल ग्रह पर रोवर भूविज्ञान और जलवायु का पता लगाएगा। स्पेसक्राफ्ट की कुल कीमत तकरीबन $220 करोड़ है, जिसमें 12,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये सफ़र करेगा, और स्पेसक्राफ्ट की गति को धीमा करने के लिए एक सुपरसोनिक पैराशूट का इस्तेमाल किया जाएगा। नासा की योजना के अनुसार ये रोवर एक 820 फुट गहरे क्रेटर के आधार पर जाएगा, जिसमें तकरीबन 350 करोड़ साल पहले पानी हुआ करता था। माना ये भी जा रहा है कि वहाँ पर एक झील हुआ करती थी। और इन दिनों धर्मनगरी वृंदावन में कुंभ पर्व वैष्णव बैठक यानी कुंभ मेला चल रहा है, जहां पर देश के कोने कोने से आए कई अखाड़े खालसा और संप्रदायों के संत भजन और साधना कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में अयोध्या से पधारे अखिल भारतीय पंच तेरह भाई त्यागी खालसा के संतों ने अपने चारों ओर आग प्रज्वलित करके धुनी रमाई। तेज धूप में भी धुनी रमाकर तपस्या करके हठ योगी संत समेत कई लोगों ने ध्यान आकर्षित किया। और उत्तर प्रदेश के अमेठी में भारतीय सेना के सूबेदार मेजर के पद पर तैनात एमए खान की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव अमेठी कोतवाली के मरफापुर पहुंचाया गया। घर परिवार के साथ पूरा गांव शोक में डूब गया है। सूचना पर डोगरा रेजिमेंट फैजाबाद से आए सैनिकों ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ मृतक सैनिक के पार्थिव शरीर के ऊपर कफन रूपी तिरंगा डालकर आखिरी सैल्यूट करते हुए सुपुर्द खाक किया। ये हमारे भाई सूबेदार मेजर एम ए खान 627 ईएमई बटालियन दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में सर्विस करते हैं। वहाँ पर थोड़ा सा इनको इन्फेक्शन हो गया था जवान में, तो इनका ट्रीटमेंट कमांड हॉस्पिटल कोलकाता में चलता रहा। वहाँ से डिस्चार्ज करके ये घर आ गए थे। 2 महीने की छुट्टी 24 फरवरी को इनको जाना था। इस बीच में इनकी पुनः तबीयत खराब हो गई है इनसे, तो मैं इनको फर्स्ट एड देने के लिए मुंशीगंज हॉस्पिटल ले गया। मुंशीगंज में डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोला कि सांस की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इनको अटैक भी पड़ा है हल्का सा, इनको आप लखनऊ ले जाइए। तो मैं इनको लखनऊ कमांड हॉस्पिटल लेके गया, जो कि इनका अपना अस्पताल होता है। कमांड लेके गया, वहाँ पर एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद में ट्रीटमेंट हुआ, तुरंत ही डॉक्टर ने इनको आईसीयू में लेकर के वेंटिलेटर पर लिया। उसके बाद में सुबह में करीब 8:30 बजे पहुँचा हूँ। दिन भर रहे, रात भर रहे, और फिर दिन भर रहे, शाम को
फिरोजाबाद के पुलिस परिसर में एक पुलिसकर्मी ने संदिग्ध हालातों में फांसी लगा ली है, जिसको आनंद फानंद में इलाज के लिए सरकारी ट्रॉमा सेंटर ले गया और आपको बता दें कि चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक पुलिसकर्मी ने किसी से फोन पर बात करने के बाद फांसी लगा ली और इस घटना को लेकर पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक सिपाही बागपत जिले के सिंघवली गाँव का बताया जा रहा है। रिजर्व पुलिस लाइन फिरोजाबाद का है। इसमें हमको सूचना मिली थी कि एक रिक्रूट कांस्टेबल हरीश कुमार पुत्र नेपाल सिंह, इन्होंने मेस के हॉल में अंदर से कुंडी लगा करके पंखे से लटक करके सुसाइड कर लिया है। इस सूचना पे तत्काल सभी रिक्रूट कांस्टेबल्स वहां पर तैनात, सभी प्रभारी वहां पर पहुंचे और बिना कोई देरी किए मेस हॉल का जो दरवाज़ा है उसको तोड़ करके फंदे से हमारे कांस्टेबल, रिक्रूट कांस्टेबल की बॉडी को उतार करके तत्काल जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर भिजवाया गया। बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट करने के बाद भी डॉक्टरों के द्वारा हमारे राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा हटाए गए 50 साल पुराने मंदिर के स्थान पर गुरुवार की रात को फिर से हनुमान मंदिर बना दिया गया है। शुक्रवार की सुबह मंदिर के बनाए जाने की जानकारी मिली और आपको ये बता दें कि मंदिर में हनुमान जी की वही मूर्ति स्थानीय लोगों की तरफ से रखी गई जो कि पहले वाले मंदिर में थी। जानकारी के मुताबिक उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्टोर से गुरुवार की रात को ही मूर्ति लाई गई और फिर मंदिर का निर्माण किया गया। सुबह मंदिर पहुंचे लोगों ने दर्शन करके जय श्री राम और बजरंग बली के नारे लगाए। आपको यहां पर यह भी बता दें कि चांदनी चौक में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पर 3 जनवरी की सुबह 4 बजे दिल्ली नगर निगम प्रशासन ने अपना बुलडोजर चला दिया था। अचानक रात के अंधेरे में मंदिर तोड़े जाने की इस कार्रवाई से क्षेत्र में भारी भरकम तनाव भी पैदा हो गया था। दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके में जबरदस्त बैरिकेडिंग कर रखी थी। चांदनी चौक आने जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया था। इसके बावजूद मौके पर पहुंचे कई हिंदू संगठनों ने इस तरह के मंदिर को तोड़ने के पीछे दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और फिलहाल यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। हक की बात, दोपहर 12 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों को आगामी सीजन में किसानों को वस्तुओं पर ऑनलाइन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कहा है, जो कि कमीशन एजेंटों के कमीशन को प्रभावित करेगा। इस पूरे मामले पर आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान विजय कालरा ने कहा है कि हमारे व्यवसाय पर सीधा असर पड़ेगा, अगर पंजाब सरकार इसे लागू करती है तो हम अपनी नौकरी छोड़ देंगे और उसी समय धरने पर बैठ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करते हैं, केंद्र सरकार जानबूझकर ऐसी पॉलिसी लाई है जो कि किसानों और आढ़तियों के लिए नुकसानदायक होगी और आपसी फूट डालने की कोशिश की जा रही है। देखो गल है कि गौरमेंट ऑफ इंडिया पिछले 3 साल तो पंजाब के आढ़ती वर्ग को परेशान कर रही है नवे नवे कानून बना के, जबकि 2013-14 के विच मानयोग पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के किसानों को ऑप्शन दिती सी वी किसान अपनी फसल के पैसे चाहे सीधी ले लवे आढ़ती तो चाहे ले लवे खरीद एजेंसियों तो चाहे वह सरकार हो चाहे प्राइवेट व्यापारी हो, पर 2013 तो लैके 8 साल बीत गए हैं, तकरीबन 15 लाख के करीब किसान पंजाब के मंडिया के फसल बेचते हैं। अज तक किसी एक किसान ने भी सीधी पेमेंट वास्ते अप्रोच नहीं की। मेरा कहने का भाव है कि जो आढ़ती का किसान दे नाल 9 मास का रिश्ता है वो फर्क पाउंदियां इह गल्लां ने। अज तक कदे भी किसे आढ़ती दे खिलाफ किसे हरियाणा के टोहाना शहर की अनाज मंडी में आयोजित किसान महापंचायत में गुरनाम सिंह चढ़ूनी टोहाना पहुंचे। यहां पर पहुंचकर उन्होंने मंच के माध्यम से जेजेपी और बीजेपी सरकार पर जमकर वार किया और कहा कि आज के समय में लोगों को चाहिए कि देशद्रोही पार्टी बीजेपी को वोट ना दे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने मंच के माध्यम से अपने संबोधन में ये भी कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी का हर जगह बहिष्कार करेंगे और बंगाल चुनाव में जाकर भी लोगों को इसकी सच्चाई बताएंगे कि इस देशद्रोही पार्टी को वोट ना दे। मंच पर उन्होंने लगभग 15 मिनट महापंचायत को संबोधित किया। नहीं, वो इस्तीफे वाला मामला नहीं था, वो जो खप जो इस आंदोलन में आ रही है वो या जो बीजेपी इस तरह से इस आंदोलन को जाट नेता बुला के इस आंदोलन को मोड़ देना चाह रही है उस पे था कि जो ये इस तरह की जाट का और दूसरा आंदोलन बना सकते हैं उससे सावधान रहें। इस तरीके से वो बात कर रहे हैं, खास कुछ कहने को तो बचा नहीं, यही एक शब्द बचे हैं वो कह लेते हैं, लेकिन हमारे में कहाँ राजनीति। राजनीति को तो ये भी कहते हैं बहकाए हुए लोग हैं, अरे बहकाए में से तो 1 दिन बैठ जाएंगे, 4 दिन बैठ जाएंगे, 10 दिन बैठ जाएंगे, ऐसा कौन सा बहकाने वाला फार्मूला है कि 3 महीने बैठ जाएंगे और फिर अगर हमारे बहकाने से 3 महीने बैठ सकते हैं तो फिर ये सरकार जिसके पास सारा मतलब है वो किसका मुख्य है, इसके कैसे लोग हट नहीं गए। प्रधान जी जो आपकी कौन जो देखिए उनको जवान बाहर निकालने के लिए हमने टीमें बनाई हुई हैं, हमने वकीलों की टीमें बनाई हुई हैं और हम पूरा उसके केस लड़ रहे हैं, उनका सारा खर्चा जो है वो सरकार उठेगा। और दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जो अब दिल्ली पुलिस की तरफ से सम्मान आ रहे हैं या उत्तर प्रदेश के इटावा में एनबी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां पर थाना फ्रेंड्स कॉलोनी में एक महिला की पुलिसकर्मियों द्वारा बर्बरता पूर्वक पिटाई के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है और आपको बता दें कि महिला कांस्टेबल प्रियंका द्वारा एक महिला की थाने में बर्बरता से पिटाई की गई थी, जिसकी खबर हमने प्रमुखता से चलाई थी। मामला संज्ञान में आने के बाद इटावा सांसद ने इस पूरे मामले की शिकायत यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी और गृह सचिव अवनीश अवस्थी से की, जिसके बाद डीएम इटावा श्रुति सिंह ने पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच शुरू की। 2 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करते हुए एक को निलंबित कर दिया गया है और वहीं दूसरा लाइन हाजिर हुआ है। इसी प्रियंका ने मारा, मतलब थाने में लिया मारा, ऐसा है मेडिकल हो जाए कोई चक्कर गलत बात है ना, मेडिकल कराएंगे हम कराएंगे ना मेडिकल सब इनके बस। मैं भी इंस्पेक्टर हूँ, मैं भी थाना चलाता हूँ, मैं भी देखता हूँ कौन क्या कैसा नहीं चलता है। नहीं, वो तो हम सबको कर लेंगे, इतना जितना उदंडता करी ना वो हम सब कर लेंगे। यहाँ पे क्या मतलब बताया
हरियाणा के नूंह जिले में कोविड के पिछले 24 घंटे में एक भी नए केस सामने नहीं आए हैं और वहीं महज दो मरीज जिले भर में एक्टिव हैं और उसके अलावा अब तक जिलों में कोरोना से 30 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि दिन प्रतिदिन जिले में केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हरियाणा का नूंह जिला अब कोरोना फ्री होने से महज दो कदम दूरी पर है क्योंकि जिले में सिर्फ दो एक्टिव केस बचे हैं। पिछले कई दिन से कोई नया केस अभी तक सामने नहीं आया है और आपको ये भी बता दें कि मेवात जिला कोरोना फ्री हो जाएगा। आज की तारीख में दो एक्टिव केसेस हैं कोविड 19 के और जो सैंपल्स हैं कल हमारे 550 सैंपल हुए हैं। आज तक हमारे पास 198,000 सैंपल हो चुके हैं। 1300 क्लब ऐसे हैं जिन सैंपलों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। कुल 1710 आज तक हमारे पास कोविड के केसेस आए हैं। 1678 जिसमें से रिकवर हो चुके हैं, दो एक्टिव हैं और 30 इसमें जो कोविड से मृत्यु रिपोर्ट हुई है। एक मरीज हमारा नल्लड़ में है और एक मरीज देहरादून के लच्छीवाला में। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण टोल टैक्स का शुभारंभ हुआ। जैसे ही हाईवे पर लच्छीवाला में टोल टैक्स वसूलना शुरू किया तभी हाईवे पर भारी जाम लग गया और सभी वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। आपको बता दें कि दूसरी तरफ कुछ लोग टोल टैक्स वसूलने को लेकर गुस्से में नजर आए और टोल टैक्स पर तोड़फोड़ शुरू कर दी गई, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से टोल टैक्स वसूलने की सूचना पहले ही दे दी गई थी, लेकिन फिर भी गुस्साए लोगों ने टोल टैक्स में ताबड़तोड़ यहां पर लड़ाई की। वही सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने किसी तरह लोगों को शांत कराया। मथुरा के गोवर्धन में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक तरफ तो यूपी सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर गोवर्धन क्षेत्र सरकारी अस्पताल में नवजातों और मरीजों की सुरक्षा के प्रति चिकित्सा विभाग लापरवाह बना हुआ है। गोवर्धन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूता वार्डों के अलावा अन्य वार्डों में भी आवारा कुत्ते घूमते हुए नजर आ रहे हैं जो कभी भी नवजात शिशु या फिर मरीजों पर हमला कर सकते हैं, जिससे शिशुओं की जान भी जा सकती है। जब इसके बारे में डॉक्टर से बात की गई तो डॉक्टर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम पर फर्जी आईडी बनाकर ठगी करने का मामला सामने आया है। राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर पैसा वसूली करने के लिए बनाई गई थी वेबसाइट और आपको ये बता दें कि फर्जी वेबसाइट बनाने में दो व्यक्तियों का नाम सामने आया है। आपको ये भी बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने राम जन्मभूमि थाने में दोनों के खिलाफ ठगी की धाराओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ठगों की तलाश में फिलहाल अयोध्या पुलिस जुटी हुई है। और हरियाणा के चरखी दादरी में एसटीएफ टीम की तरफ से बेगुनाह बिंदर की हत्या का मामला सामने आया है और वहीं बेगुनाह की मौत को लेकर आज बलवंत फोगाट खाप 19 प्रधान की प्रधानता में स्वामी दराल धाम पर एक महापंचायत संपन्न हुई और बिंदर हत्याकांड में पुलिस के सुस्त रवैये के सर्व जातीय खाप फोगाट के पदाधिकारी सामाजिक किसान व्यापारी किसान संगठनों ने भाग लिया और इस दौरान परिजनों और सामाजिक संगठनों की बैठक के बाद उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। दादरी में एक पुलिस पार्टी ने कुछ गोली चला दी थी जिससे दादरी का एक नवयुवक मारा गया था। उसके बारे में सारे जो संगठन हैं इनमें से मिले और इन्होंने तीन डिमांड्स रखी। पहले डिमांड तो रखी कि जो भी SIT में लोग थे सभी के ऊपर हत्या का मुकदमा हो। दूसरी उन्होंने कहा आर्थिक सहायता परिवार की जाए, 50 लाख रुपये उन्होंने मांगे मुआवजे के तौर पर। और तीसरी उन्होंने कंडीशन रखी कि जो उसकी बेवा है, उसकी विधवा है, उसको कोई सरकारी नौकरी दी जाए। ये तीन मांगें उन्होंने मेरे सामने रखी हैं और मैं सरकार तक इनकी मांगे पहुंचा दूंगा और जो प्रशासन के स्तर पे होने वाली कार्रवाई है वो मैं स्वयं करूंगा। संगठनों को क्या आश्वासन दिया गया है सर आपकी तरफ से? संगठनों को यही कहा गया कि जो सरकार के लेवल की मांगे हैं वो सरकार को पहुंचा दी जाएगी और जो मेरे स्तर की मांगे हैं उस पर विचार करके फैसला ले लूंगा। संगठनों की तरफ से शहर को जाम करने की भी बात की गई है, उस संबंध में कोई बातचीत की है सर? मुझे नहीं लगता कोई ऐसी नौबत आएगी जाम करने की बात है। ये जो हत्याकांड हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ है, इसमें मुझे भी दुख है, सभी शहरवासियों को भी दुख है और हम कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने डिमांड रखी है जहाँ तक जस्टिफाइड डिमांड मुझे लगती है सरकार से मैं बात करूँगा कि डिमांड उनकी मानी जाए, बड़ी जायज़ डिमांड मुझे लगती है।
जी प्रधान जी, पंचायत में बाजार बंद करने का फैसला लिया गया है, तो किस तरह से हम निजामा पहनाया जाएगा? जिस प्रकार पंचायत ने फैसला लिया है, तादिन नेको व्यापार मंडल पूर्णतया पंचायत के साथ है और हम तन मन धन से पंचायत का पूरा सहयोग करेंगे। अगर वो बंद की अपील करते हैं तो बंद करेंगे, या और भी कोई अपील करते हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। ऐसे में तो व्यापारियों का काफ़ी नुकसान भी हुआ, क्या उस नुकसान के लिए व्यापारी तैयार होंगे? देखो, ये तो नुकसान नफे की बात नहीं है, एक व्यक्ति के साथ नाजायज़ हुआ है, नाजायज़ जान गई है, हम उसके साथ खड़े हैं, परिवार के साथ खड़े हैं। प्रशासन ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, 3 को सस्पेंड कर दिया है, उसके बाद भी आप लोगों की जो मांगे हैं वो बड़ी हैं, तो क्या मानते हैं, क्या इतनी बड़ी बड़ी मांगों को क्या पूरा कर पाएगी सरकार? सरकार ने या सरकार के नुमाइंदों ने एक निर्मम हत्या की है, क्या उसकी भरपाई हो सकती है इन चीज़ों से? लेकिन फिर भी एक सांत्वना के लिए हम सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि सरकार इन मांगों को तुरंत प्रभाव से लागू करे। ठीक है, जैसे कि कहा गया है कि पूरा बाजार बंद करवाया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में अगर लंबे समय तक बाजार बंद किया जाता है तो क्या आप लोग और व्यापारियों से बात कर करके तब बात करेंगे या फिर अपनी तरफ से ही फैसला सुनाया जाएगा? व्यापार बंद की अपील खाप पंचायत ने की है और खाप पंचायत ने जो निर्णय लिया है, दादरी नगर व्यापार मंडल व हमारे अन्य व्यापारिक संगठन। अयोध्या के तारुण थाना क्षेत्र में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में तैनात अध्यापिका के साथ दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पीड़िता ने वारदात में 3 लोगों के शामिल होने का भी आरोप लगाया है। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक जब स्कूल में कार्यरत अध्यापिका स्कूटी से अपने घर जा रही थी तो 3 बदमाश पहले से वहां पर मौजूद थे। अध्यापिका स्कूटी की डिग्गी से अपना सामान निकाल ही रही थी कि इतने में ही एक बदमाश ने उसके गले से चेन छीन ली और फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हम वही निकाल ही रहे थे, विद्यालय की तरफ हमारा मुख था, तो विद्यालय के सामने से रोड जाती है तो रोड पे कुछ 3 लोग थे, बाइक सवार आए और विद्यालय के सामने गाड़ी रोका रोड पे, और विद्यालय के अंदर आने लगे तो हमें लगा शायद नल के पास जा रहे हैं तो पानी वानी पी रहे होंगे, पीने के लिए जा रहा है। हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर और वो पीछे से आया, हमारे गर्दन पे कुछ लगाया, हमने देखा नहीं क्या था, और हमारा गर्दन झुकाया और हमारे गले से चेन निकाल के लेके चला गया, और उसकी गाड़ी स्टार्ट थी और तुरंत वो भागा। हमने चिल्लाया, गुहार लगाई, यहाँ पे कोई था नहीं, सिर्फ विद्यालय के एक बच्चे विद्यालय में पहुँच चुकी थी, वही देखा सारी घटना को। गांव के पास से ही एक शिक्षिका जो विद्यालय में पढ़ाती हैं, स्कूटी से विद्यालय पहुँची और स्कूटी रोकने के बाद जब विद्यालय उतरने लगी तो उसी समय इस मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति आए और उसमें से एक व्यक्ति जब वो झुक करके अपना सामान स्कूटी से निकाल रही थी तो पीछे से उसने उनकी चेन गले से छीन ली और इसके बाद ये लोग भाग गए। और इसकी सूचना कुछ देर बाद शिक्षिका के द्वारा थाने पर दी गई। थाने पर जो मौजूद पुलिस बल और थाना प्रभारी तत्काल मौके पर पहुँच गए हैं, अधिकारी भी मौके पर पहुँच गए हैं, इसकी छानबीन की जा रही है। शिक्षिका द्वारा ये बताया गया है कि जो 3 बदमाश थे उसमें से एक बदमाश के द्वारा ही उनकी जो चेन थी वो छीनी गई है और किसी प्रकार के कट्टे इत्यादि का कोई प्रयोग नहीं किया गया है, न कट्टा दिखाया गया है। और इसकी पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब के इलाहाबाद बैंक के एटीएम को 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा तोड़ने की नाकाम कोशिश सामने आई है और इस बारे में पुलिस ने बताया कि देर रात 2 अज्ञात व्यक्तियों की तरफ से बैंक के एटीएम को तोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि ये बदमाशों की जो कोशिश थी वो नाकाम रही। सीसीटीवी चेक करने के बाद लगता है कि बदमाशों की उम्र तकरीबन 30 साल की होगी जो कि एटीएम तोड़ने में नाकामयाब रहे। एटीएम तोड़ने की कोशिश के दौरान हूटर बजाने के कारण वो मौके से फरार हो गए और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। थाने जिला आईसी के इलाहाबाद बैंक चंडीगढ़ रोड फतेहगढ़ साहब के एटीएम
तोड़न संबंधी की कोशिश की गई है। मौके से पता किया गया, जो फुटेज तो पता लग रहा है भी ये दो लड़कियां ने, दो नामलूम लड़कियां ने यह वारदात करने की कोशिश की सी। एटीएम में पैसे नहीं सन, बैंक एटीएम का हूटर बजने कारण दोषी नामलूम व्यक्ति जो भज गए। 2:25 सवेरे दाखिल हुए थे, 3:15 ये हूटर बजने कारण भज गए। देखने ये दो लड़के नामलूम जो रोडे। मुंबई में सोने और पैसों से भरा हुआ बैग बरामद किया गया है। दरअसल एक दंपत्ति ऑटो में अपना बैग भूल गया था। बाद में दंपत्ति ने पुलिस को मामले की जानकारी दी और घटने की सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से ऑटो चालक का पता लगवाया और पुलिस की मदद से दंपत्ति को बैग वापस कर दिया। एक महिला और उनके पति, उनका बैग एक रिक्शा में छूट गया था। फिर हमने पुलिस स्टेशन जाके सीसीटीवी का फुटेज देख के ऑटो रिक्शा का नंबर निकाला। ऑटो रिक्शा का नंबर निकाल के वो जो हमारा मशीन रहता है उसमें डाल के हमने उस मशीन में डाल के मालिक का नंबर पता किया और मालिक का नंबर पता करके हमने उनके उनके मोबाइल पे कॉल किया। कॉल करने के बाद हमको रिक्शा का पता चला, वो चेंबूर में है। तो हमने उनको बोला अरसे पुलिस स्टेशन जाके, लेकिन जो हमारे साथी उनका भाई आंबोली पुलिस स्टेशन में काम करता है, वो चेंबूर में रहते। उनको बोला, उनको वो नंबर और ऑटो रिक्शा का नंबर देके उनको बोला उनके कब्जे में लेके आरसे पुलिस स्टेशन जाओ। उनका भाई जो आंबोली पुलिस स्टेशन में है, उन्होंने वो रिक्शा उनके कब्जे में लेके। और व्यापारियों के संगठन कैट ने सरकार से अमेजन की ई कॉमर्स वेबसाइट और उसके भारत में चलने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। संगठन ने भारी छूट और माल भंडार पर नियंत्रण के जरिए वैश्विक ई कॉमर्स वेबसाइट पर बाजार खराब करने की कीमत व्यवस्था में शामिल होने का आरोप लगाया है। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने भी अमेजन के पोर्टल और भारत में उसके कामकाज पर तत्काल पाबंदी की मांग कर दी है। साथ ही उन्होंने कंपनी के खिलाफ समय समय पर जाँच करने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने सरकार से अमेजन और फ्लिपकार्ट की कारोबारी गतिविधियों की जांच करने का भी आग्रह किया है। हालांकि इस बारे में अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों ने कहा है कि वो भारतीय कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स ने इस संदर्भ में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र भी लिखा है और सम्मेलन में शामिल 150 से ज्यादा व्यापारी नेताओं ने यह संकल्प लिया है कि अगर सरकार इस मामले में तत्काल कदम नहीं उठाती है तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। और इस बारे में पूछे जाने पर अमेजन इंडिया के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि कंपनी भारतीय कानून के अनुसार काम कर रही है। उसने कहा कि पिछले कई सालों से ई कॉमर्स को लेकर नियमों में कई बदलाव किए गए हैं और अमेजन ने हर बार उसके अनुपालन को लेकर तत्काल कदम उठाए हैं। वहीं फ्लिपकार्ट के प्रवक्ता ने यह कहा कि वो देश के कोने के जितने भी कानून हैं पूरी तरीके से उनका पालन कर रहे हैं, निष्पक्ष व्यापार गतिविधियों को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए पुणे जिले की तहसील के शिवनेरी किले का दौरा किया। शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में शिवनेरी किले में हुआ था। कोरोना महामारी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने लोगों से मराठा योद्धा शिवाजी महाराज की जयंती पर शिवनेरी में भीड़ भाड़ नहीं करने का भी अनुरोध किया। ठाकरे सुबह शिवनेरी किला गए जहां पर उन्होंने शिवाजी महाराज और उनकी माँ जीजाबाई को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने किले में पालना समारोह समेत कई कार्यक्रमों में शिरकत की और इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी मौजूद रहे। और वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में पुलिस की नाक के नीचे शराब की दुकानों में लाखों का माल चोरी हो गया है। यहां पर एक महीने के अंदर कई बार शराब की दुकान पर एक जैसी चोरियां हुई हैं और जिनको कुछ एक जैसी गैंग ने ही अंजाम दिया है। खास बात यह है कि चोरी करने वाले लोगों ने मध्य प्रदेश पुलिस को लिखा है और एक ट्रैक सूट भी पहना हुआ देखा है। चोरी की ये पूरी जो घटना है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे चोरी करने वाले लोगों ने मध्य प्रदेश पुलिस लिखा हुआ ट्रैक सूट पहना हुआ है और वो लगभग 10 लाख रुपए की शराब चोरी करके ले गए हैं। साथ ही दुकान में रखे 2,40,000 रुपए उड़ाकर ले गए।
यूथ कांग्रेस के जिला प्रधान गुरलाल सिंह भुल्लर को अज्ञात बदमाशों ने गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद पुलिस की ओर से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है। इसके बाद आपको बता दें कि उनका अंतिम संस्कार किया गया जहां पर फरीदकोट के विधायक कुशलदीप ढिल्लो और पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रधान बीरेंद्र सिंह ने वहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस हत्याकांड का विरोध करते हुए गहरा दुख भी जताया है। उन्होंने कहा कि गुरलाल हमारे शरीर का ही एक अंग थे और राजनीति में उनका भविष्य बहुत उज्जवल था। उनकी मौत के बाद उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि आरोपी जो भी हो हम उसको बख्शेंगे नहीं। बिल्कुल साडा यूथ कांग्रेस दा जिला प्रधान भी सी लेकिन उस तो पहले साडा भरा सी। साडा एक शरीर का एक अंग सी और सानू साडा हीरा एक वह बंदा सी जिहड़ा बहुत अगे फ्यूचर पोटेंशियल सी साडी साडे परिवार नाल बच्चियां दे नाल सारे परिवार नाल जिवें MLA साहब ने दस्या। MLA साहब ने बड़े लंबे समय तो उदू एक तरह तो आप कही भी अपने बच्चों वगू अगे वधाया सीगा राजनीतिक तौर पर और सानू अज बड़ा वड्डा झटका लगा वा और बहुत गंभीर है ये गल जिस तरीके नाल होई आ और असी ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿੱਤਾ ਵਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ। यूपी के बिजनौर में आज नगरपालिका परिषद बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा हो गया। दरअसल यहां पर उत्तराखंड त्रासदी में मारे गए लोगों के लिए मौन रखा गया था लेकिन मौन के दौरान ही चेयरपर्सन रुखसाना कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई और इसी वजह से गुस्साए सभासदों ने मीटिंग बर्खास्त कर दी। उनका कहना है कि इस तरीके से मृतकों का अपमान हम नहीं सहेंगे और इस पूरे मसले की शिकायत अब सभापति DM से करेंगे। यूपी के हमीरपुर में जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय का बाबू 25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। लखनऊ में आपको बता दें कि INT करप्शन टीम ने 25,000 की रिश्वत लेते बेसिक शिक्षा कार्यालय के वित्त लेखागार को रंगे हाथों पकड़ा है। फिलहाल रिश्वतखोर बाबू को INT करप्शन टीम कोतवाली लेकर आई है। रिश्वत के आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आपको ये भी बता दें कि जो पूरा मामला है वो शहर कोतवाली क्षेत्र के जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय का है। विश्व के जिन प्राचीन स्थलों में सर्वप्रथम मानव सभ्यता का उद्भव हुआ उनका विकास हुआ उनमें कुरुक्षेत्र का एक विशिष्ट स्थान है। कुरुक्षेत्र की पावन धरती को वैदिक सभ्यता की जन्मदात्री होने का गर्व प्राप्त है। महाभारत काल से ही कुरुक्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल माना जाता है। महाभारत के अतिरिक्त अनेक पुराणों में भी कुरुक्षेत्र भूमि की महिमा का वर्णन मिलता है। कुरुक्षेत्र स्थित तीर्थों के नवीनीकरण और विकास के लिए सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन किया गया है लेकिन सन्निहित सरोवर तीर्थ पर फैली अव्यवस्थाओं ने सारी पोल खोल कर रख दी है। सन्निहित तीर्थ पर केवल नशेड़ियों और भिखारियों का ही जमावड़ा नजर आता है। तीर्थ यात्रा की अगर बात करें तो यात्रियों के लिए बने शौचालय और शेल्टर होम में सरेआम अवैध कार्य चलते हैं। जब हमने जिला उपायुक्त से बात की तो उन्होंने मसले पर जानकारी होने की बात नहीं कही। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर दर्शन के लिए फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा पहुंचे। आशुतोष ने महाकाल में मंदिर पहुंचकर आपको बता दें कि चांदी द्वार के पास से महाकाल के दर्शन करके भगवान का आशीर्वाद लिया। बॉलीवुड में साउथ की फिल्मों में अपना जलवा बिखेरने वाले फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा पहले भी कई बार महाकाल मंदिर के दर्शन कर चुके हैं और उसी बीच महाकाल मंदिर पहुंचे आशुतोष राणा दर्शन के बाद मंदिर के बाहर निकले। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की गई लेकिन वहीं जब अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन के महंगाई वाले बयान पर उनसे सवाल पूछा गया तो वो कुछ नहीं बोले। और हरियाणा के नूह में विधायक आफताब अहमद ने गवर्नमेंट शहीद असन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज का दौरा किया है और अस्पताल की कार्यप्रणाली और व्यवस्था का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कॉलेज की निदेशक से अस्पताल के अंदर की सुविधा और समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया। विधायक ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड की जो दिक्कत आ रही है उसको लेकर बात की। उन्होंने ये भी कहा कि इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में एक रेडियोलॉजिस्ट की व्यवस्था की जानी चाहिए इसको लेकर वहाँ पर बातचीत की गई है अधिकारियों से। बार बार मेडिकल कॉलेज विजिट करके
और जो जो परेशानियां, जो जो दिक्कत यहां के लोगों को हसन खान मेडिकल कॉलेज के, चाहे वो प्रबंधन की बात हो, चाहे सुविधाओं की बात हो, चाहे नई नई और चीज़ों की बात हो, हम हरियाणा सरकार से भी मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एसएसपी ऑफिस के पास निजार खान नाम के एक शख्स ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। निजार खान वहां पर तैनात पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया और जब निजार खान ने पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके साथ एक व्यक्ति ने जमीन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर ली है, जिसमें उसने एक मुकदमा दर्ज कराया है। लेकिन जांच अधिकारी लगातार आरोपियों का साथ दे रहे हैं और उनसे 40,000 रुपए की रिश्वत भी मांग रहे हैं। जब उसने रिश्वत देने से इनकार कर दिया और शिकायत करने की बात कही तो जांच अधिकारी पर आरोप लगा है। उन्होंने शिकायतकर्ता को किसी भी झूठे मामले में जेल में भेजने की धमकी दे दी, जिस पर अब वो एसएसपी मुरादाबाद के ऑफिस में पेट्रोल के साथ लेकर आत्मदाह करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि मैं उससे कह रहा कि 40,000 रुपए दे दे, मैं एक शपथ पत्र दे दे, और जो थाने अधिकारी को मैं अवगत करा चुका हूं, सब कुछ जान दूंगा। मामला बताया पूरा। 14,76,000 रुपए का मैंने ऑफिस का जिले पिलौट लिया था, जिला बीमा जेल की घाटा संख्या 199 में, समझे? और भी मैंने पिलौट लिया। तो आज आपने क्या करा? मैं जीना नहीं चाहता, मैं उस पर तंग आ गया। तो अभी आपने एसएसपी कार्यालय पे क्या करा? एसएसपी कार्यालय में मैंने अपने अंतिम रिजल्ट समाप्त करने के लिए काम किया, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता। पट्टे का तेल डाला था आपने? मैंने पेट्रोल डाला था। पेट्रोल डाला? हाँ, पेट्रोल डाला। मैं जीना नहीं चाहता। शिकायत करी, सबको रजिस्ट्री भेजी है, सबको झूठ नहीं बोलता। सुनवाई हुई आपकी कहीं? ना, मेरी कोई सुनवाई ना हुई। सुनवाई खोल होगी, अधिकारी का दवाई कर रहे होंगे कि ना कर रहे होंगे, लेकिन अधिकारी तो था। लेकिन जो है अगवान में जो मैं जो दरोगा जी हैं मोहित कुमार, वो सारी कार्रवाई को ठंडे पानी। मेरे मामले में साहब 18-2 और इसी मामले में जमानत भी खारिज हो चुकी है, मुजरिमों की जमानत भी खारिज हो चुकी है। ये पुलिस ऑफिस के सामने एक व्यक्ति ने अपने ऊपर तेल छिड़का था, मौके पे पुलिस बल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लिया। अभी तुरंत उसे जिला अस्पताल के लिए भेज दिया गया है प्राथमिक उपचार के लिए। एस एच वहाँ पे कोई भी आग वाली कोई बात नहीं हुई थी, उसे जो उसके पास तेल। 60 खबरें 60 मिनट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।